Hi friends, I'm Pawan Sharma, teacher of English Speak classes. Please like, subscribe and ring the bell icon. And if you have any types of problem in English, please comment on my channel. Here, module. This is Namudaya Ikal. देखिए इस मॉड्यूल में सिंटैक्स क्या होगा डिफिनेशन तो पता नहीं कैसे लिखो यस सर सिंटैक्स में क्या आता है सूत्र इसका सिंटैक्स होगा सबसे पहले आपको कोई लगाना होगा बाय क्या लगाएंगे बाय एंड बाय उसके बाद क्या करेंगे एनी सेंटेंस बाय एंड बाय एनी सेंटेंस ओके कोई प्रॉब्लम है सिंटैक्स में सिंपरम देखिए सिंपरम किस क्या लगेगी पहचान से क्या होगा सब्जेक्ट को जा सकता है फिर वर्ब होगा और वर्ब में किस क्या होगा टे ओके इसके बाद फिर वर्ब होगा और उसमें भी क्या इसके होगा टे इसके बाद फिर वर्ब होगा और एनी कोई भी पहचान आ सकती है लास्ट में तो ये जितने वर्ब होंगे वर्ब ये भी वर्ब तीन वर्ब है ना तीनों वर्ब कोई अदर वर्ब नहीं होगा सेम वर्ब तीनों होना चाहिए ओके जब तीनों वर्ब सेम हो तो गाइस क्या करेंगे सबसे पहले बाय एंड बाय लिखेंगे उसके बाद एनी सेंटेंस को ट्रांजिशन इन सिंपलम के अकॉर्डिंग कर देंगे ओके एनी सिंपलम यानी कि जो भी पहचान आया होगा उसके ऊपर ट्रांजिशन कर देंगे ओके राइट इट जैसे बोलते ना वह पढ़ते पूरी किताब पढ़ी ऐसा बोलना आपको वह पढ़ते पढ़ते पूरी किताब पढ़ लिया हमने बोला कि तीनों वर्ब क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए कोई अदर वर्ब नहीं आनी चाहिए ओके तो यहाँ भी पढ़ते हैं यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ मतलब वर्ब तो एक ही ना रेडी है ना सर तो गाइस क्या करेंगे सबसे पहले बाय एंड बाय कराएंगे बाय एंड बाय एनी प्रॉब्लम अब उसके बाद ट्रांजिशन चेंज देंगे वह पूरी किताब पढ़ लिया अब ये पढ़ते पढ़ते क्लियर नहीं समझो क्या हो रहा है बाय एंड बाय अब वह पूरी किताब पढ़ लिया पास्ट इंडेफिनिट तो ही रेड का सेकंड फॉर्म क्या होता है रेड ही इसको क्या पढ़ेंगे रेड होल बुक ओके तो बोला वो पढ़ते पढ़ते पूरी किताब पढ़ लिया बाय एंड बाय ही रीड होल बुक क्या लगे सचिन बोलते बोलते इंग्लिश बोलने लगा ओके सबसे पहले हम इसका लिखेंगे बाय एंड बाय बाय एंड बाय सचिन इंग्लिश बोलने लगा बिगेन स्टार्ट सेंटेंस होता है ना लग लगा लगी जब सेंटेंस लास्ट में आता है बिगेन या तो स्टार्ट फ्रेज करते हैं तो सचिन इंग्लिश बोलने लगा सचिन स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश ओके बाय बाय सचिन स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश थैंक यू बाय